हम बात कर रहे हैं ONGC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक हमको साइडवेज करता ही नज़र आ रहा है, छोटी मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है। गिरावट के बाद लगातार आप ट्रेंड में है ONGC। चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, हाई आ रहा है यहाँ पैटर्न देखने के लिए मिला, गिरावट आई है, जंपर स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। स्टॉक ने रिजेक्शन कहाँ फेस किया है, 280 का लेवल जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है, वहीं से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। देख सकते हैं इससे पहले भी रिजेक्शन फेस किया था, अगेन यहाँ भी उसी के आसपास रिजेक्शन फेस किया हुआ है, तो इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 280 का लेवल। लेकिन जब सेलिंग आई है तो उतना बड़ा सेलिंग भी देखने के लिए नहीं मिला है। जितनी हमको स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, लगातार बायर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद उतना सेलिंग भी देखने के लिए नहीं मिला। स्टॉक अपने हाई के आसपास है, तो ONGC की यहाँ से 280 के ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। ONGC 280 का लेवल ब्रेकआउट दिखा सकता है, जहाँ क्लोजिंग दिया इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 274 का लेवल। ब्रेकडाउन कर जाता है तो 270 और इसके ब्रेकडाउन पे 260 का लेवल जो है तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बात करते हैं हम टारगेट की, तो इमीडिएट टारगेट है 280 का लेवल और इसी लेवल पर हमारी नज़रें भी है जो जमी रहेगी, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, फिर हमको लगातार तेज़ी दिखा सकता है। फिर अगला टारगेट 290 और इसके ब्रेकआउट करके 300 तक का भी जंप ONGC दिखा सकता है। 300 तक के भी टारगेट फिर ONGC में देखने के लिए मिल सकते हैं, फिर इसका एक तगड़ा और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।